जगन्नाथ की जय, शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री वाक्पतये नमः, श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, जयेश भाई આમાં અમુક વેઇટિંગ રૂમ ને એવું આવે છે, એનું શું રીઝન છે? બધું ઓટોમેટિકલી થઈ જશે ને? આમાં મને અપડેટ આવે છે. ઓલરાઇટ છે ને? હા હા, બધું ઓલરાઇટ છે. ઠીક છે. જો नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रभुर्नन्द कुमार मे स्वामिनी वृषभाच, कृतार्थोऽहं 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 न संशयः. श्रीमत्कथा संश्रवणोपयोगी श्रोत्रं ददौ यः करुणारसाद्भिः, कथामृतास्वादन मूढचित्ता गोपाललालं शरणं प्रपद्ये. गोपाललालं शरणं प्रपद्ये. गोपाललालं शरणं प्रपद्ये. आइए मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक अपराकृत स्वरूप का ध्यानधर आप श्री के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि प्रणाम कर. एवं यह सत्संग सभा में उपस्थित आप सब आत्मीय जनों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज यह अपरा एकादशी निमित्त हम सब यहां पर भगवत गुणानुवाद, भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए यहां पे सब एकत्रित हुए हैं. पिछले
पिछली एकादशी पे भी हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए थे एवं गत दिवस भी श्री पुष्टि धाम द्वारा जो हर शनिवार को सत्संग होता है उसमें भी क्योंकि समय ऐसा है वर्चुअली सत्संग में सब जुड़ पाते हैं, तो गत दिवस के भी सत्संग में पूज्य श्री पितृचरण दादाजी के एवं लालन बाबा के भी वचनामृत का लाभ आप सबने लिया होगा। और पुष्टि दर्शन सत्संग मंडल बॉस्टन, हमारे आत्मीय प्रिय जयेश भाई, शिल्पाबेन, उनका आग्रह भाव जे जे कम से कम एकादशी पर आप समय निकाले और वचनामृत का लाभ मिले, तो एक ये भी क्रम एक प्रारंभ हुआ है। आज दूसरी एकादशी है कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ठाकुर जी की कृपा रही, अनुकूलता रही, तो आगे की भी एकादशी पर अवश्य हम एकत्रित होंगे। वैसे तो प्रतिवर्ष वहां पर अपने आत्मीय जनों को मिलने के लिए, भगवत गुणानुवाद करने के लिए देशांतर प्रवास होता रहा है, लेकिन पिछले ये एक डेढ़ दो साल से परिस्थितियों को देखते हुए कहीं बाहर प्रवास करना मुश्किल है या असंभव है, जिस वजह से वहां के भी हमारे कई वैष्णव आत्मीय जन सत्संग से, वचनामृत से, सन्मुखता से, खासकर वह सन्मुखता वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी भावना कि वर्चुअली सत्संग हो, तो सबसे पहले तो मैं वैष्णवों की भावना को प्रणाम करता हूं कि आपके अंदर सत्संग की ऐसी भावना है। और हम ये जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सदुपयोग हम कर रहे हैं, जैसे सर्व वस्तु समर्पण जो कहा गया है, तो ये टेक्नोलॉजी का भी समर्पण भगवत कृपा से हम कर पा रहे हैं। आज यहाँ पे सत्संग के लिए एकत्रित हुए आप सबको मैं देख रहा हूं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कुछ के वीडियो ऑन है, किसी किसी के बंद हैं, किसी सबकी अनुकूलता, लेकिन ज्यादातर सबकी वीडियो होती है तो ऑन रहती है, तो हम भी आपको देख पाए, तो हमको भी तादृश अनुभव हो कि हाँ चलो सब सामने वैष्णव यहाँ पर हैं, तो ये प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो आज ये एकादशी, एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, एकादशी की आपको बधाई। और व्रत एकादशी पुष्टि मार्गीय वैष्णव नियम से करने का आग्रह रखते ही हैं, लेकिन विशेषता यह है कि वो जो व्रत उपवास आदि का जो क्रम है वह सब भगवत प्रत्यर्थम है। यहां पर व्रत आदि कर, उपवास आदि ग्रहण कर, कोई अलग प्रकार के, कोई विशेष प्रकार के पुण्यों का संचय करना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना, जैसे हर एक एकादशी की एक एक कथा विशिष्ट होती है, ये करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसकी प्राप्ति होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ पे हम पुष्टि मार्गियों को जो व्रत उपवास आदि की जो बात है या जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब भगवत प्रत्यर्थम, कि तो देह की शुद्धि हो, अन्न आदि से हम बचें, कि ज्यादा भोजन आदि करने से प्रमाद भी आ जाता है, भगवत भजन में, भगवत सेवा में, स्मरण में बाधक रूप भी हो जाता है, तो वो शुद्धि के लिए, वो भी भगवत प्रत्यर्थम, वो हेतु से हम एकादशी व्रत आदि वैष्णव करने का आग्रह रखते हैं। तो आज यह एकादशी के दिन जब हम यहां पे सत्संग के लिए उपस्थित हैं, तो हम विचार करेंगे आज सबसे महत्व की बात, सबसे महत्व का प्रश्न,
जो हम सब वैष्णवों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, आत्मनिवेदित जब हम हुए, तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद हम वैष्णवों का हम सबके सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उपस्थित होता है कौन सा प्रश्न? कथम कृष्ण प्रसीदति, कि जब हम प्रभु की शरणागति ग्रहण किए तो अब हम ऐसा कौन सा कार्य करें, या हमारी ऐसी कैसी कृति हम अपने दिनचर्या हमारी जीवनचर्या को बनाएं कि जिससे कृष्ण प्रसीदति यानी कृष्ण को ठाकुर जी को प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि हम सबका प्रमुख धर्म यही बन जाता है। पुष्टि मार्ग की यही विशेषता रही हुई है, तद सुखे सुखे त्वम। इसलिए पुष्टि मार्ग में सेवा शब्द का प्रयोग है, जहां पर भगवत सुख के विचार करके जो क्रिया करने में आती है उसे सेवा कहा जाता है, और जहां पर किसी विधि के द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा, किसी के उद्धार की इच्छा, पितरों के कल्याण की इच्छा, अपने आत्म कल्याण की इच्छा आदि, ये जो भावनाएं जब आ जाती हैं तो उसे सेवा नहीं कहा जाएगा, वो पूजा कहा जाएगा। लेकिन सेवा का मतलब है तद सुखे सुखे त्वम, जिसकी हमने शरणागति ग्रहण की है उसका सुख किसमें है, उसको सुख हम कैसे पहुंचाएं, हम क्या करें कि जिससे ठाकुर जी को सुख हो। इस बात का चिंतन, इस बात का विचार करना हम सबके लिए परम आवश्यक है। आज के ये एकादशी के सत्संग में हम इसी बात का विचार करेंगे, यही खोजने का प्रयास करेंगे, कथम कृष्ण प्रसीदति, ठाकुर जी की प्रसन्नता हम कैसे प्राप्त करें। बड़ा ही ये सुंदर महत्व की बात है, महत्व का प्रश्न है, और यह प्रश्न, इसका प्रति उत्तर, इसका समाधान जो सेवा में तत्पर हैं, जो शिक्षा सागर हैं, जो भाव सागर जिसको हम कहते हैं, ऐसे श्री हरिराय महाप्रभु जी, उनकी शरणागति हम शरण ग्रहण करके आप श्री से उसका उत्तर प्राप्त करते हैं। श्री हरिराय महाप्रभु हमको समझाते हैं कि जो कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए सबसे पहली बात, नवा तद्वाक्य परताम न वैराग्यम तथा विधम न यथा लाभ संतोष कथम कृष्ण प्रसीदति। शहराय जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए सबसे महत्व की बात है नवा तद्वाक्य परताम, यानी नवा तद वाक्य परताम का अर्थ है कि आचार्य श्री वल्लभ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी में उनकी आज्ञा पालन करने में तत्परता और उनकी वाणी पर पूर्ण विश्वास, ये अति आवश्यक है। जब तक श्री आचार्य जी की वाणी पर विश्वास और आपसी की आज्ञा पालन करने में, आपके वचनामृत आपकी आज्ञा को पालन करने में जो हमें तत्परता नहीं होगी, तब तक भगवत प्रसन्नता भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पुष्टि पुरुषोत्तम वो आचार्य श्री वल्लभ के वश हैं, श्री ठाकुर जी कौन के बस हैं? श्री आचार्य जी के बस हैं। इसीलिए तो हम आपको महाप्रभु कहते हैं, अदेय दान दक्षाय नमः। अदेय जो कोई न दे सके, इसी वस्तु का दान करने वाले आप श्री हैं, और दान में
वही चीज दी जाती है जिस पर अपना वश हो, जिस पर अपनी सत्ता हो। जिस पर अपनी सत्ता नहीं है, वश नहीं है, उसका भला दान कैसे हो सकता है? तो जो प्रभु को भी दान में करे, प्रभु का भी दान दे, वो महाप्रभु। तो श्री ठाकुर जी वह श्री आचार्य जी के वश में। यशोदा मैया आप देखो, ठाकुर जी को वश करने के लिए, बांधने के लिए बड़े प्रयास करती हैं, उनके पीछे पीछे भागे, पकड़ नहीं पावे। फिर कहीं हाथ में भी आ गए, तो हाथ में आने के बाद जब यशोदा जी बांधने की कोशिश करते हैं तो भी आप उनको बांध नहीं पाते। ये तो भगवान ने देखा कि अब माता अति श्रमित हो गई हैं, दामोदरो भक्तवश्यो, तो आपने अपने आप को बंधवा लिया, बांध नहीं पाए। लेकिन यहां तो श्री ठाकुर जी स्वयं श्री आचार्य जी को कहते हैं कि आप जाके माथे मुकु पधराओगे, वही के घर में मैं विराजूंगो, वो जो मुको आरोगाएगो वही मैं प्रेम से आरोगूंगो। यानी हमें श्री ठाकुर जी के ये वचन है, यानी हम अपने घर में जो भी ठाकुर जी को भोग धराते हैं, ये संदेह कदापि नहीं करना चाहिए कि प्रभु नहीं आरोगते, नहीं, प्रेम से भाव समर्पण से धराई हुई प्रत्येक वस्तु का भोग भगवान धरते ही हैं श्री आचार्य जी की गुरु की कानी से। आपकी शरण में जो जीव आएगो वाको मैं कभी त्याग नहीं करूंगो, ये श्री ठाकुर जी के वचन है। यानी श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के वश हैं, इसलिए तो प्रभु भी स्वयं कहते हैं भोग श्रृंगार यशोदा मैया मोहे श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठल नाथ के हाथ को भावे, कि मैया भोग श्रृंगार, मुझे तो श्री विठल नाथ जी के श्री वल्लभ के हाथ का बड़ा ही पसंद है, क्योंकि वो मेरे सुख का विचार करते हैं। आते हो सदा वहां ही रहत हो, तू दधी माखन मोहे छुपावे, तू तो कछु ना कछु छुपा के रखे, लेकिन उन्होंने तो अपनो सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो मूल बात श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी के और श्री गुसाई जी के बस हैं। आप देखिए, कहीं आपके शायद वांचन में प्रसंग आया होगा या कभी आपने सुना हो, एक दिन की बात है जब श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी जब आप भोजन करने के लिए जब विराजे, तो क्या हुआ, प्रसाद में भोजन में कुछ एक तिनका आ गया। अब वो तिनका जहां देखा आपशी ने, तो आपशी का मन बड़ा व्याकुल हो। क्यों व्याकुल हुआ कि अरे आज देखो ठाकुर जी को भोग में ये तिनका आ गया सामग्री में, प्रभु को कितना श्रम पड़ा होगा, हमने इतना तामझाम किया, मुखिया भितरिया आदि की सब व्यवस्था करी, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी का सुख नहीं विचार पा रहे हैं। आपको इतना हृदय में ताप हुआ, आपके पुत्र से गिरधर जी को आपने आज्ञा करी कि गिरधर ऐसो करो, ये हमारे वस्त्रन को लो, धोती उपना भगवा रंग में भगो दो, हम तो संन्यास ग्रहण करेंगे। ये प्रसंग से पता चलता है कि छोटी सी बात, लेकिन यहाँ पे पुष्टि मार्ग में यही तो बारीकियां हैं। पुष्टि मार्ग में बड़ी सूक्ष्मता रही हुई है, क्योंकि भगवत सुख का विचार है। इसलिए आज भी जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, स्नान कराते समय जब थोड़ा सा सुहाता जल थोड़ा सा गर्म भी जब करें ऋतु अनुसार, तो उसमें भी जल के अंदर अपनी उंगली डुबो के देखते नहीं है कि भाई ठंडा है या गर्म हुआ, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ये बारीकी दी है, हो सकता है कि तुम्हारे नख का मेल उस जल में चला जाए। ये सूक्ष्मता, ये बारीकियां, यही तो पुष्टि मार्ग का आकर्षण है, विशेषता है। हम वार्ता जीवों में पढ़ते हैं कि वो नाखून में घी रह गया और सामग्री में चला गया, स्वान की योनि, ये सब क्या, वो तो भगवतीय उच्च कोटि के जीव हैं। वास्तव में ये सब लीलाएं वर्तमान के हम जो आधुनिक वैष्णव हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सब प्रसंग है, कि भाई गुरु के अपराध से बचो, वैष्णवन के अपराध से बचो, ठाकुर जी के तत्सुख का विचार करो।
बाकी अज्ञानवश हो गया, नाखून में घी रह गया और वो हाथ जूठन भी हो जाते और वही हाथ सामग्री में लग गए, वो भी जूठा हो गया और जिसके चलते उसको स्वान की योनि प्राप्त हुई। तो ये प्रसंग हमें सावधानी रखने के लिए कि भी भगवत सेवा में, भगवत कार्य में सावधान रहो। श्री गोसाई जी के अंदर वैराग्य जागृत हुआ, भगवान रंग में भगोने के लिए वस्त्र दे दिए। श्री गिरधर जी भी सोचे कि क्या मैं विनती करूं, पर हुआ क्या, जब श्री प्रिया जी को ये बात पता चली तो प्रिया जी ने भी अपनो तनिया श्री गिरधर जी को दे दियो और कही कि लो ये मेरे वस्त्र को भी भगवान रंग में भगो दो कि विठल स्वयं श्री गोसाई जी जो संन्यास ग्रहण कर लेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी संन्यास देंगे। अब हुआ क्या, जब श्री गोसाई जी ने आपके वस्त्र के साथ जब श्री गोसाई जी का तनिया देखा, आपको आश्चर्य हुआ, पूछा कि गिरधर ये श्री ठाकुर जी के वस्त्र यहाँ पे क्या कर रहे हैं। श्री गिरधर जी कहें साक्षात आनंद कंद घर में विराज रहे हैं और आप संन्यास की बात कर रहे हो तो ठाकुर जी भी संन्यास ले रहे हैं। भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठल नाथ के हाथ को उभारे, क्योंकि आप श्री के अंदर वह सेवा के लिए, ठाकुर जी को सुख पहुंचाने के लिए वह तत्परता है। तो श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी, ये आप ठाकुर जी की प्रसन्नता का रहस्य आप ही केवल जानते हैं। जब श्री गिरधर जी के मुख से ये बात सुनी तो आप श्री कहवे लग गए, नहीं अब संन्यास नहीं ले, रहवे दो। यानी ये सब प्रसंग कितना आपस में अनुराग, इसलिए हमारे भगवत ये गाया ने ऐसी प्रीत कबहू न देखी जैसी प्रीत श्री गोसाई जी की और श्री ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की जो प्रीति है। गोकुल से आप सेवा शिकार प्रिया जी के पहुंच के अश्व पे घोड़ा पे सवार होके श्री जी पे पधारते, देव दमन की सेवा करवे और जब यहाँ पे अनोसर हो जाए तो अनोसर करके वापिस घोड़ा पे सवार होके यूं जाए गोकुल की ओर आप पधारे और गोकुल की ओर भी जब आप जाते हो लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखें, क्योंकि आपको ठाकुर जी श्रीनाथ जी से दूर हुए तो आपके अंदर वह विरह भाव जागृत हो रहा है और आपसी के मन में ये विचार आ रहा है कि कहीं मेरे आंखों के अश्रु कहीं श्रीजी बाबा देख लेंगे तो आपको दुख होगा, तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखें लेकिन श्री जी तो जानो। याली हमारे भगवत जी कहें ऐसी प्रीत कबहू न देखी जैसी प्रीत श्री विठल की, जैसी श्री ठाकुर जी की, जैसी श्री वल्लभ की और श्री ठाकुर जी की आपस की प्रीति है। कहने का मूल तात्पर्य इसलिए श्री हरिराय महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जो भगवत प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो जब तक नवा तद वाक्य परताम, जब तक श्री वल्लभ की वाणी में विश्वास और उनकी आज्ञा पालन में हमें तत्परता नहीं होगी तब तक कथम कृष्ण प्रसेदति, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे आप विचार करो। श्री आचार्य जी की वाणी, श्री वल्लभ की वाणी, आपकी आज्ञा को समझने के लिए दो मार्ग हैं, उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि गुरु, फिर वो आपके दीक्षा गुरु हों, आपके शिक्षा गुरु हों, जिससे आपका एक आत्मीय, एक मीठा प्रेम का संबंध हो, उनके सानिध्य में रह के उन गुरु का आश्रय ग्रहण करें, आपके गुरु के मुखारविंद से या तो भगवदीय के मुखारविंद से मार्ग का जो सिद्धांत है वो समझने का प्रयास करें। पहला मार्ग तो ये है, भगवदियों का संग, गुरु का संग और जो हमने श्रवण किया उसका फिर मनन और उसका चिंतन करना, जिस वजह से श्री वल्लभ की जो आज्ञा है उस आज्ञा को हम समझ पाएंगे। श्री वल्लभ की आज्ञा को समझने का दूसरा मार्ग है फिर तो या स्वयं एकांत में बैठकर श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक श्री आचार्य जी के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन कर, श्री आचार्य जी की जो वाणी है, स्तोत्र है, श्री आचार्य जी कृत जो ग्रंथ हैं, आज कई बार कैसे कैसे ग्रंथ आते हैं, अर्वाचीन ग्रंथ भी प्रकाशित होते हैं, कहां कहां से कुछ ग्रंथ आ रहे हैं, लेकिन हमको नीर और क्षीर का विवेक रखना पड़ेगा, कौन से ग्रंथ का वांचन करना, किसको सुनना और किसको नहीं सुनना, कौन से ग्रंथ को लेना, कौन से ग्रंथ को नहीं लेना,
क्योंकि जहां पे अर्वाचीन यानी आज के समय के जो कोई लेखक हैं, वक्ता हैं, जब उन ग्रंथों को लेकर कुछ लिखते हैं तो उसमें अपना खुद का भी स्वतंत्र उनकी बुद्धि, अब वो जो कुछ पूर्वाग्रह से उनके अंदर कोई पूर्वाग्रह हो, एक विचारधारा हो, जैसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता को आप ले लो, श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में मुख्य भगवत शरणागति शरणागति और शरणागति यही बात की गई है, मामेकं शरणं व्रज। लेकिन आज के बुद्धिजीवी जब जब ऐसे कुछ हम सुनते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार में जब होते हैं और उन गीताजी के भाष्य को लेकर, गीताजी के वाक्यों को लेकर उसके ऊपर मैनेजमेंट, जीव मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या क्या अलग अलग विषयों को ले जाते हैं, ताकि मुख्य गीताजी में भगवत शरणागति का ही विचार है, यही तो मुख्य बात है, लेकिन फिर वो गीताजी के कुछ अलग अर्थ अलग संदर्भ ले जाते हैं। यानी हमको भगवत प्रीति के लिए आचार्य जी के जो मूल ग्रंथ हैं, श्री गोसाई जी के, श्री गोपीनाथ जी के, आपके जो सप्त बालक हैं, श्री कल्याण राय जी या फिर श्री हरि राय जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री लालू भट्ट जी, श्री बालकृष्ण, यानी ये जो आचार्य हैं, इन आचार्यों की जो ग्रंथावली है, उन ग्रंथों का, उन वचनों का अवलोकन करते रहना चाहिए, पठन पाठन करते रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग विचारधारा आज हमारे संप्रदाय में पूर्वाग्रह से ग्रसित है और फिर वो अलग अलग मार्ग बता देते हैं, वैष्णव भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कहे यहाँ पे ये करना चाहिए, कोई कहे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, कोई कह रहे हैं यहाँ पे भी दर्शन करने चाहिए, कोई कहते हैं यहाँ पे दर्शन नहीं करना चाहिए, कोई कह रहे हैं ब्रह्म संबंध लेना चाहिए, कोई कह रहे हैं नहीं लेना चाहिए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुझे उस प्रपंच की बात नहीं करनी है। मूल बात नवातद वाक्य परताम, शहराई जी आज्ञा करते हैं कि श्री आचार्य जी की जो वाणी है, आप श्री ने कितने कितना श्रम लिया है विचार करिए, कितने कितने ग्रंथों की रचना करी आपने, वो किन किन के लिए, किन के लिए आपने प्रकट किया, हम सब जीवों के लिए। और जो आज उन ग्रंथों का जो हम अवलोकन नहीं करेंगे, उन स्तोत्रों का जो हम पाठ नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? श्री आचार्य जी का किया हुआ श्रम क्या वो निरर्थक हो जाए? नहीं, ये लांछन हम वैष्णव पे तो नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, श्री आचार्य जी के जो षोडश ग्रंथ हैं, उन षोडश ग्रंथ पे जो फिर अन्य आचार्यों की जो टीकाएं हैं, हमारे वार्ता साहित्य हैं, श्री गोकुलेश प्रभु के जो वचनामृत हैं, शिक्षा पत्र आदि जो हैं, इन सब का नित्य पठन पाठन हम सबको करना ही चाहिए। तो जब श्री आचार्य जी की वाणी में तत्परता हमें होगी, उन ग्रंथों का अवलोकन होगा, तभी हमारे अंदर ठाकुर जी के लिए प्रीति जागृत हो। अब विचार किया जाए, इस बात का हम चिंतन करें कि श्री वल्लभ की आज्ञा क्या है। श्री महाप्रभु जी हमको क्या आज्ञा कर रहे हैं? अब जो इस विषय पे चिंतन किया जाए, तो आप श्री षोडश ग्रंथ अंतर्गत सिद्धांत मुक्तावली में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए आप श्री आज्ञा कर, नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसीसा परामता। यहां पे क्या आप श्री कह रहे हैं सिद्धांत मुक्तावली में, स्व सिद्धांत विनिश्चयम्, बालबोध में सर्व सिद्धांत, वहां पे सर्व सिद्धांतों की बात है, यहां पे सिद्धांत मुक्तावली में स्व सिद्धांत का निरूपण करते हुए आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मान सीसा परामता। यहां आप श्री हम वैष्णवों को स्व सिद्धांत बताते हुए आज्ञा करते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या, क्योंकि समस्त जीव भगवान श्री कृष्ण का सहज रूप से दास है, हम उनके अंश हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। जब भगवान अपने में रहा हुआ जो सच्चिदानंद, जो आप जो स्वरूप है,
जब आप अपने में से रहा हुआ आनंद अंश को तिरोहित करते हैं तो उससे जीव प्रकट होता है, जीव की उत्पत्ति होती है। जब आप अपने में रहा हुआ जो चिदंश है और आनंद अंश है उसको जब आप तिरोहित करते हैं तो भगवान के ही सद अंश से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यानी प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का सहज रूप से दास है और दास का ये धर्म है कि अपने स्वामी की सेवा करना, ये उस जीव का धर्म है। शास्त्र श्रुति कहती है, यो यद अंशः ते तम भजेत, जो जिसका अंश हो वो उसका भजन करता है। तो हम किसके अंश हैं? ममै वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, हम परब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं। उन्हीं की कृपा से ये इंद्रियां चेष्टा करती हैं, जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, ये जो एकादश इंद्रियां, ये जो शरीर, ये शरीर तो जड़ है, भले शरीर में हम ममत्व रखते हैं लेकिन वास्तव में हमारे ममत्व का कारण तो हमारी वो आत्मा है। जो शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर में ममत्व रहता है क्या, बताइए आप? शरीर में से जब चिदंश आत्मा निकल जाएगी तो ऐसा कौन सा जीव है जिसको शरीर के लिए ममत्व है? नहीं, कोई नहीं। फिर तो ये शरीर को भैया घर में भी नहीं रखते हैं, उसको जला दिया जाता है, है? अरे ये तो तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे माता, ये तुम्हारी पत्नी, ये भाई, नहीं ये कोई माता न पिता न भाई न पति न कुछ, बॉडी शरीर रह गया। वो शरीर तो जड़ है, वास्तव में ये शरीर प्रिय है क्योंकि हमारे अंदर वो परम आत्मा का वो अंश विद्यमान है अनुरूप में, जिसके वजह से ये चेष्टा करता है। तो इसीलिए प्रत्येक जीव भगवान का सहज रूप में उसका अंश है और उसका दास है, सेवक है। तो सेवक का धर्म है अपने स्वामी की सेवा करो। यहां पे सदा शब्द का प्रयोग श्री आचार्य जी कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण सेवा करने में काल की कोई अवधि नहीं है। अमुक ऐसे कर्म आदि जो प्रकार मार्ग जो बताए गए हैं उसमें काल समय की मर्यादाएं रही हुई, लेकिन यहां पर काल की कोई अवधि नहीं है। कुछ वैष्णव हम देखते हैं, ऐसा भी अनुभव हुआ, ठाकुर जी को 10-10 बजे 11-11 बजे मंगल भोग धराते हैं। कुछ ऐसे वैष्णवों का भी हमने सुना है दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे मंगल भोग धरा है ठाकुर जी को। अब विचार किया जाए, 4 बजे मंगल भोग धराना, 3 बजे शाम को मध्यान के समय में मंगल भोग धराना, बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन यहाँ पे पुष्टि भक्ति वो स्वतंत्र भक्ति है। मैं देखो ये बात का ये अर्थ नहीं लेना कि आप भी भाई 12 बजे 4 बजे धराओ, ये अर्थ नहीं लेना है। मैं जो विषय की जो बात कर रहा हूं, जैसे रूपा पोरिया जो थे वो सहज, उनका ऐसा भाव था, ज्यादा उनको ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो एक लाइन जो सुनी हुई तो रात्रि के समय जागिए गोपाल लाल भोर भई भोर, जागिए गोपाल लाल भोर भई। अब उससे ठाकुर जी को नींद भी आती थी, आप वार्ता जी में आपने श्रवण किया है। और जिस दिन गोविंद स्वामी ने रोक दिया तो श्री जी पोड़े नहीं, तो गोसाई जी ने पूछे कि बाबा नींद नहीं आई, तो के रूपा ने लोरी नहीं सुनाई। तो रूपा को बुलाया कि कौन सी लोरी सुनावे, डरते डरते कहवे लग गए, कृपानाथ मुको तो ज्यादा कुछ आवे नहीं, मैं तो बस जागिए गोपाल लाल भोर भई भोर, जागिए गोपाल लाल भोर भई भोर। तो कि क्यों बंद कर दियो, तो कि मुको गोविंद स्वामी ने, गोविंद दास जी ने मना करी, मेरी आज्ञा है तो गई। गोविंद दास जी को कही, अरे तेने क्यों मना करी? तो कि जयराज आपने ही मुको ये सब बताइए, कौन से समय पे कौन सो कीर्तन कौन सो राग, तो मैंने तो वो तेरे लिए मैंने आज्ञा करी, बाकू तू गावे। रात्रि के समय में सुबह जगाने के पद गा रहे हैं। देखो ये जो बात आ रही है, यहाँ पे काल बाधा नहीं कर। जब वो वैष्णव को भी मैंने पूछा कि 3-4 बजे कि जे क्या करें सुबह से, तो वो काम वाला आता है, फिर वो होता है बच्चों का ये टिफिन, घर में उन जॉब पे जाना वो करना, कितने ही काम होते हैं, वो सब फ्री हो जाए, क्योंकि मैं उस समय में सेवा प्रारंभ करूं तो मेरा मन भी बार बार वहीं पे जाता है। तो मैं सोचूं कि ये सब निवृत्त हो जाए, फिर मैं और मेरे वो हम दो बस दो जने मिलके फिर आनंद हम सेवा में करूं, इसलिए मैं जैसे कोई दिक्कत, अब मैं क्या कहूं बताइए।
रीत के अनुसार यहाँ भी सुबह अपने यहाँ पे भी आज भी देखो नाथद्वारा में शिव जी को ठाकुर जी सूर्य उदय हो उससे पहले ही मंगल भोग आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक प्रकार है शास्त्रोक्त नियम भी है कि भी सूर्य उदय से पहले बालक को भी बुद्धि तीव्र बने तेज हो इसलिए उसको जल्दी उठाना चाहिए। तो इसलिए आप शिवजी में भी देखिए बड़े बेगी राज मंगल भोग हो जाते हैं और यही प्रकार है। लेकिन जहां कहीं कुछ ऐसी बात आ जाती है तो उन वैष्णवों का फिर निराकरण करना होता है। अब क्या निराकरण किया वो मैं आपसे नहीं कहूंगा क्या बातें हुई, नहीं तो फिर आप उसको सिद्धांत के रूप में न ले लें। यानी याद रखना है कि हमारा मार्ग अनुकरण का नहीं है, हमारा मार्ग अनुसरण का है। नहीं तो वो एक ने दातुन रखा तो सभी वैष्णवों ने दातुन रखना प्रारंभ कर दिया। वार्ता जी में प्रसंग आता है उसके पास तो कोई साधन नहीं था तो दातुन ठाकुर जी को रख दिया। उनको ऐसा नहीं करना है। तो वो लेकिन जो बात मूल विषय है कर्म मार्ग आदि जो है उसमें काल अवधि बीच में आ जाती है, लेकिन पुष्टि मार्ग में कहीं कुछ समय थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां इसलिए श्री आचार्य जी कृष्ण सेवा सदा कार्य सदा कहकर ठाकुर जी की सेवा नित्य सदा करते रहना चाहिए। और आप देखिए यहां पे ये चरण में बड़ा एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग आपशी ने किया कृष्ण सेवा। अब यहां पे या तो आपशी भगवत सेवा भी कह सकते थे या ब्रह्म सेवा भी कह सकते थे, क्योंकि जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या बोलते हैं ब्रह्म संबंध, वहां पे कृष्ण संबंध नहीं बोलते। लेकिन जब यहां पे सेवा की जहां बात है तो वहां पे ब्रह्म सेवा नहीं है, वहां पे कृष्ण सेवा की आपशी बात करते। इसका तात्पर्य श्री गोसाई जी टीका में आज्ञा करते हैं कि आपशी ने कृष्ण शब्द से जो श्री आचार्य जी प्रदत्त जो उनकी दी हुई जो सेवा है वह सेवा को फलात्मकता के रूप में सिद्ध किया है। कृष्ण शब्द वो फलात्मक है, ब्रह्म शब्द वो व्यापक के अर्थ में है, लेकिन कृष्ण शब्द वह फल फलात्मक रूप में है। इसलिए श्री आचार्य जी ने वहां पे कृष्ण सेवा सदा कार्य, क्योंकि कृष्ण आप ही फलात्मक हैं, क्योंकि ब्रह्म की जहां जो ब्रह्म सेवा कहें तो ब्रह्म के भी अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन कृष्ण तो केवल परब्रह्म तो केवल एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और कृष्ण जो है वह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी वेद कर्म ज्ञान आदि जितने भी साधन मार्ग बताए हैं उसका सर्वोच्च जो शिखर है वह शिखर केवल और केवल श्री कृष्ण ही है। इसलिए अन्य शब्दों का प्रयोग न करते हुए फलात्मक जो कृष्ण शब्द है उसका प्रयोग आपने किया है। कृष्ण जैसा आपका स्वरूप है ऐसा ही आपका नाम है। जिस प्रकार से आप स्वरूप से जीव को कृतार्थ करते हैं उसी प्रकार से आप ऐसे ही अपने नाम से भी जीव को कृतार्थ करते हैं। ठाकुर जी के रूप, ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी के गुण और ठाकुर जी का धाम सब कृष्ण रूप ही है, एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए आप देखो ब्रज में जब प्रभुदास जलोटा जब वृंदावन में शिव साईं जी के सन्मुख हुए और प्रसाद की जहां बात करी तो कहिए ब्रजरज में तू लौट गयो, तेरी तो स्नान तू शुद्ध हो गया। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुज, ऐसे दर्शन आपने ब्रज के में करा दिए जलोटा जी को, प्रभुदास जी को। यानी जैसे आपका स्वरूप, यानी आपका स्वरूप, आपका नाम, आपका धाम और आपके गुण सब एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे नाम रूप गुण सब कुछ अलग है, हमारे नाम जैसे हैं ऐसा संभव नहीं है कि हमारे गुण भी हो, जैसा हमारा रूप हो ऐसा हमारा गुण भी हो ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन प्रभु का तो जैसा गुण ऐसा ही रूप। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर कौरवरांबरम दधाने वपुरलक कुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वध्या। विष्णु जी कहते हैं स्तुति में त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, प्रभु आपका स्वरूप त्रिभुवन से भी सुंदर है। इस जगत में किसी का रूप सुंदर होता है तो किसी का गुण सुंदर हो, और किसी के गुण अच्छे होते हैं तो किसी का रूप अच्छा होता है, लेकिन प्रभु आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं और साथ में तमाल वर्णम, तमाल के वृक्ष के भांति सहज श्याम भी है।
श्याम रंग ये श्रृंगार रस का सूचक है, श्रृंगार का रस श्याम है। ऋषि ठाकुर जी रसो वैसह रस स्वरूप है, इसलिए आप श्याम स्वरूप है। तमाल का वृक्ष जिस प्रकार से वृक्ष अपने सर्वांग से जीव पे उपकार ही करता है, उसी प्रकार से प्रभु आप अपने सर्वांग से जीव पर कृपा ही करते हैं। तो आपका जैसा रूप है ऐसा ही आपका गुण है, इसमें कोई भेद नहीं। यानी नाम रूप धाम और ये चारों कृष्णमय है, यानी ये फलात्मक है। आप देखिए इस संदर्भ में जब श्रीमद् भागवत की जो कथा का जो प्रारंभ होता है, व्यास जी के जन्म की कथा और व्यास जी का जन्म हुआ और फिर अनेक प्रकार के ग्रंथ की रचना करी, सत्रह पुराण महाभारत वेदों का विभाग आदि कई कई कार्य किए व्यास जी ने, वो सब करने के बाद भी उनका मन अशांत रहा, शांति की अनुभूति नहीं हुई। और उस समय भगवत इच्छा शक्ति से क्या हुआ, नारद जी का समागम, नारद जी व्यास जी को मिले, आपस में एक दूसरे का सत्संग हुआ। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, इतना इतना मैंने क्या कार्य किया, वो भी आप ज्ञान के अवतार हैं व्यास जी, लेकिन फिर भी मन अशांत है, शांति नहीं है, उसका कारण क्या। वहां ये जो प्रसंग आता है, आपने ये कथा सुनी होगी, उस संदर्भ में श्री आचार्य जी ने सुबोधिनी जी अंतर्गत बड़ा गुढ़ार्थ प्रकट किया। श्री सुबोधिनी जी में श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि वहां पे व्यास जी श्री नारद जी को क्यों पूछ रहे हैं। श्री आचार्य जी समझा रहे हैं दोनों भगवत अवतार ही हैं, नारद जी भी और व्यास जी भी, फिर भी पूछने का रहस्य कारण क्या। तो आप श्री कहते हैं कि व्यास जी के अंदर प्रमाण बल है और नारद जी के अंदर प्रमेय बल है। ध्यान दीजिए, व्यास जी नारद जी को कहते हैं कि आप समस्त शास्त्रों का सार जानते हैं, और वो सार क्या है कि कृष्ण सेवा, ठाकुर जी की सेवा, और वो सेवा आपने की हुई है, इसलिए आपके अंदर प्रमेय बल है। इन्होंने ग्रंथों की रचना करी, इनके अंदर ज्ञान का बल है, प्रमाण है, लेकिन ज्ञान बल से प्रमाण बल से भी प्रमेय बल ऊपर है, श्रेष्ठ है। प्रमाण बल से भगवत जिज्ञासा ताप की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए व्यास जी कहते हैं कि मैं नारद जी आपको पूछता हूं कि मुझे बताइए कि मेरा मन अशांत क्यों। श्री आचार्य जी कारिका में लिखते हैं कि जब जीव भगवत सेवा करते करते ठाकुर जी में तन्मय हो जाता है, तो भगवान अपने में रहा हुआ जो ऐश्वर्य षड धर्म जो है, उन षट धर्मों को, अपने अष्ट ऐश्वर्यों को, षट धर्मों को उस सेवक के अंदर, जीव के अंदर पधरा देते हैं। और जब आप इस प्रकार से अपने धर्मों को, अपने ऐश्वर्यों को जीव के अंदर पधरा देते हैं, तो वो जीव भी सेव्य सामर्थ्य रूप हो जाता है, उसके अंदर भी सामर्थ्य सेव्य की भांति हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरे जो हमें विषय की जो मैं बात कर रहा हूं। जब भगवत सेवा करते हुए ठाकुर जी में जब जीव तन्मय हो जाए, तो भगवान अपने में रहा हुआ षट धर्म, अपने अष्ट ऐश्वर्य उस जीव को प्रदान करते हैं। और जब षट धर्म उस जीव के अंदर आ जाए, तब धर्मी स्वरूप आप उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। भगवान के विराजने का आसन ये षट धर्म है, यानी भगवत सत्संग गुणानुवाद के द्वारा वह धर्म हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, सेवा के द्वारा वो धर्म हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और आप इसलिए वार्ता जी के आप अनेकों प्रसंग देख सकते हैं, जैसे कि कृष्णदास जी का प्रसंग का आप स्मरण करें, जब आप व्यास जी की गुफा में आचार्य शिवल्लभ पधारे, उसी समय जब ये शिला जो गिरी और जो प्रसंग आता है, पकड़ के ठाड़े रह गए 3 दिन तक। आपसी ने पूछा कृष्णदास तो को ठंडी तो को भूख प्यास के जेराज कछु नहीं भयो। ये देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। 3 दिन तक बिना खाए पिए ठंडी कोई भी प्रकृति का अनुभव, अब ये शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है, तो इसको ठंडी गर्मी भूख प्यास ये तो इसका सहज स्वभाव है,
लक्षण है, लेकिन जब जीव के अंदर इस प्रकार की जो भगवत अपने गुरु के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, हाँ, जब इस प्रकार की भावना दृढ़ हो जाती है, जब वो सेवा में तत्परता आ जाती है, तो ये प्रकृति के दोष उसको बाधा नहीं करते। आप देखिए चाचा हरिवंश जी जल पर चल के जा रहे हैं अष्टाक्षर का स्मरण करते हुए, काशी के शिष्य थे पुरुषोत्तम दास जी को आप स्मरण करें हम, वह पुरुषोत्तम दास जी 60 वर्ष के, इतना धन आपके पास, वार्ता जी में पढ़ो कितना धन ऐसे ठाकुर जी की राज सेवा विराजे, लेकिन स्वयं जल की गागर भर के ला रहे हैं, जल की सेवा कर रहे हैं। उनके पुत्र गोपाल दास जी ने देखा, वृद्धावस्था को देखते हुए उन्होंने पूछा, कहा पिताजी लाइए मुझे दीजिए, मैं ये करूं, बेटा कल करियो। दूसरे दिन जब वो गोपाल दास जी गए तो क्या देखा, 16-17 वर्ष का बालक दौड़ते हुए जल की गागर ले जा रहा है, ऐसे दर्शन। ये स्वरूप के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े, पिताजी मुझे क्षमा करना, मैं आपके स्वरूप को जान नहीं पाया। पुरुषोत्तम दास जी कहते हैं, बेटा जाके ऊपर श्री वल्लभ की कृपा हो जाए, बाकी ये प्राकृत धर्म बाधा नहीं करते। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, प्राकृत धर्म उसको बाधा नहीं करते। ऐसे श्री ठाकुर जी का स्वरूप, ऐसा श्री वल्लभ का स्वरूप, और सेवा करते करते जीव जब तत् सुखे सुखितम की ये जो भावना है, जब जीव के अंदर इस प्रकार की भावना आती है, तब भगवान उसके अपने अंदर रहा हुआ जो षट धर्म ऐश्वर्यादि है जीव के अंदर पधरा देते हैं। उसको कहा जाता है प्रमेय बल। वो प्रमेय बल का प्रयोग अपने ऐश्वर्य के लिए उसका प्रयोग नहीं करता, वह प्रमेय बल उसके ठाकुर जी की सेवा में सहयोग रूप में मिला। वार्ता जी के अंदर कई ऐसे प्रसंग हैं। वहां पे नारद जी को, व्यास जी ने नारद जी को पूछा, नारद जी के अंदर प्रमेय बल है क्योंकि आप ठाकुर जी की सेवा कर चुके हैं, सेवा जानते हैं, इसलिए व्यास जी ने नारद जी को पूछा। और जब नारद जी ने भगवत प्रेरणा से जो भगवत गुणानुवाद है, श्रीमद् भागवत का प्रदान, भागवत का दान दिया, तब व्यास जी को मन में संतोष, आनंद, शांति की अनुभूति हुई। कहने का मुख्य प्रयोजन, प्रमेय बल, भगवत सेवा, कृष्ण सेवा, ये फलात्मक है। इसलिए हमारे श्री आचार्य जी ने कृष्ण सेवा सदा कार्या, ये हमको अपने सिद्धांत प्रतिपादित, यह सिद्धांत की आज्ञा हमको आपसी ने करी। जो व्यास जी को ज्ञान से भी मन में आनंद शांति का अनुभव न हुआ, पर जब उन्होंने कृष्ण लीला का, कृष्ण सेवा का जब वर्णन किया, तब व्यास जी को भी धन्यता का अनुभव। तो इन सब प्रसंगों से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण सेवा ये फलात्मक है। तो कुष्ठ मार्गियों को शिवल्लभ ने फलात्मक श्री कृष्ण का अधिकार प्राप्त करवाया है, ये शिवल्लभ की कृपा है, क्योंकि सब का मूल, सब का सार केवल भगवत सेवा, कृष्ण सेवा ही। अब ध्यान दीजिए, ये सेवा भी दो प्रकार की, जो कृष्ण सेवा जो श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं, यह सेवा भी दो प्रकार की बताई गई है, एक है फल रूपा सेवा और दूसरी है साधन रूप सेवा। अब साधन रूप सेवा किसको कहेंगे और फल रूप सेवा किसे कहेंगे? साधन रूप सेवा का मतलब है कि देखा देखी, एक दूसरे को कहीं देखकर इच्छा हो गई, या तो दूसरे अर्थ में समझें कि घर में ठाकुर जी विराज रहे, लेकिन वह ठाकुर जी की भी एक यंत्रवत सेवा हो रही है, यंत्रवत सेवा, जो सेवा में जो आनंद, जो रोमांच होना चाहिए, क्या ठाकुर जी का स्पर्श करते हुए, जैसे कृष्ण भट्ट जी को जब श्री श्रीनाथ जी ने कहा कि आओ कृष्ण भट्ट जनस्पर्श करो, उस प्रसंग का आप स्मरण करें, और जब कृष्णदास जी जब श्रीनाथ जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी शिवजी बाबा ठाड़े विराज गए, जो ठाड़े थे विराज गए, और चरणों को कृष्ण भट्ट की ओर करते हुए, ले कृष्ण भट्ट जनस्पर्श कर, और जो चरण का स्पर्श किया, स्पर्श होते ही रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, ऐसा रोमांच हो गया कृष्ण भट्ट को,
आप वार्ता जी के अंदर प्रसंग, आप उस प्रसंग का स्मरण करें, कैसे वो कृष्ण भट्ट के भाग के पहले तो सेवा करते, चरण स्पर्श नहीं करते, लेकिन श्रीनाथ जी ने श्री गोसाई जी को कही कि आप याकू को मेरे चरण स्पर्श करें। और जब श्री गोसाई जी की आज्ञा को लेकर जब आप गए तो श्रीनाथ जी ने ऐसी कृपा करी, श्री जी बाबा विराज गए, चरण स्पर्श दे रहे, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। यानी जो ठाकुर जी के स्पर्श से जो रोमांच होना चाहिए, हम अपने आप से प्रश्न करें कि जा जो घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, क्या उनकी सेवा करते हुए, उनका स्पर्श करते हुए क्या वह रोमांच का अनुभव हो रहा है। बस गुरु ने आज्ञा करी सेवा करो, तो सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कभी कभार तो जल्दी जल्दी में सेवा करना है, घड़ी की ओर नजर जा रही है, कितने बज गए, अरे ये लेट हो गया, ये मेरी मीटिंग है, ये काम है, वो काम है। देह तो ठाकुर जी के आगे है, लेकिन मन चित्त तो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। कितनी जितनी देर आप ठाकुर जी के सन्मुख हैं, पर वास्तव में अपने आप से पूछे कि क्या आप हैं उनके सन्मुख इतनी देर भी, क्योंकि वास्तव में कहा तो ये जाता है कि जहां पे आपका चित्त आपका मन है वहीं पे हम होते हैं। एक वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करते मन में विचार आया, हाट लग रही है, घोड़ा खरीदाऊं। सेवा करते हुए घोड़ा खरीदने का विचार आया। उसी समय कोई एक व्यक्ति आए मिलने के लिए, तो उनके जो परिचारक थे वो वैष्णव के, वो भी भगवतीय थे, तो वो शेठ जी के, वो वैष्णव के मन की बात जान गए। तो उन्होंने आए हुए वैष्णव ने पूछा कि शेठ जी हैं, तो के अभी तो है नहीं, वो तो हाट में घोड़ा खरीद कर गए। जब ये बात उन वैष्णव को पता चली तो पूछा कि अरे तूने ऐसा क्यों कहा, मैं तो यहीं पे भीतर सेवा में तो था। तो हाथ जोड़ कर कहने लगा, क्षमा करें लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताइए क्या आप वास्तव में उस समय वहां पे ठाकुर जी के सन्मुख में थे? आपका मन कहाँ था, आपका चित्त कहाँ था? उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, उस समय मेरा मन वहां पे दुकान में चला गया, हाट में चला गया, वो सेवा नहीं है। तो ये जो सेवा, जो एक जो गुरु की आज्ञा है और घर में या किसी को देखा देखी के रूप में उसने कहा किया तो मैं भी करूं, या फिर जल्दबाजी में सेवा करते हैं, कई बार तो इतनी जल्दबाजी सेवा में हो जाती है, ठाकुर जी भी बड़े चिंतित हो जाएं कि भाई आज तो मारू आप ही बने, आज आने बहु उतावर छे, घनी वारे उठाए ऑफिस में जवानू हुए, लेट थतु है ना, फटाफट श्रृंगार धराओ फटाफट। पर ठाकुर जी भी टेढ़े हैं, वो भी कई बार फिर समझ जाते हैं कि भाई ये मेरे साथ खेल रहा है जल्दी जल्दी, तो फिर वो भी जल्दी जल्दी श्रृंगार नहीं धरा, तुम धराने जाओ ना सब बड़े हो जाए, होता है ऐसा। वो तो सेवा करने वाला वो जाने, फिर भी ठाकुर जी तो कृपा करते ही है, वो नटखट है, वो तो टेढ़े, तीन जगह से टेढ़े, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, करतुम सब कुछ करने वाले, अकर्तुम जो कोई ना करे वो करने वाले, अन्यथा करतुम जो सोच ना सको वो करने वाले। वो नारद जी का आता है ना प्रसंग, आपको याद होगा, विवाह करने की इच्छा हुई और ठाकुर जी को कहा कि मुझे आपका हरि रूप दो, तो तथा अस्तु, और गए सभा में, तो उनको देख के सब हंसने लग गए, अरे भैया तू कौन है, कहां से आया ऐसा मुंह लेके, अरे क्यों इतना तो अच्छा मुंह है कि तूने देखा नहीं, तो देखो क्या, क्योंकि उनको तो यूं कि ठाकुर जी ने अपना रूप दिया है तो उसमें देखना ही कहाँ है, देख तो सही, जाके तालाब के किनारे गए, मुंह देखा तो बंदर का मुंह लेके आ गए प्रभु के पास गए, अरे प्रभु ये क्या किया आपने, बंदर का मुंह, तो देने का हरि रूप, तो मैं ये भी मेरा रूप है मैंने दे दिया, तो अन्यथा कर तुम जो आपने सोचा नहीं। कई बार जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, आप जल्दी जल्दी करने जाओ लेकिन वहीं पे जारी जी खेल जाए, या वहीं पे श्रृंगार धराने जाओ तो श्रृंगार बड़े कर ले, मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो पकड़े है, यही तो पुष्टि है। पुष्टि और मर्यादा में यही है कि ठाकुर जी उस जीव को पकड़ के रखते हैं, और मर्यादा में क्या है, भक्त को भगवान को पकड़ के रखना पड़ता, ये भेद है। उसके दृष्टांत हमारे शास्त्रों में, हमारे संप्रदाय में बताए गए, जैसे ये मरकट मार्जरी न्याय जो कहते हैं, मरकट बंदर और बिल्ली, जैसे बिल्ली होती है अपने बच्चों को अपने मुख में दांत में पकड़कर एक घर से दूसरे घर में ले जाती है, जिस दांत से वो शिकार करती है हा? और उसी दांतों से उसके बच्चों को पकड़कर दूसरे घर में ले जाती है, और ऐसे ही एक बंदर, वह बंदर अपने बच्चों बच्चे उसके बंदर को पकड़ के, उसकी माँ को पकड़ के बैठे हुए होते हैं। अब देखो दोनों में भेद क्या है, बंदर के बच्चे ने माँ को पकड़ा हुआ है,
अब वो एक डाल से दूसरी डाल जा रही है, दूसरी डाल से तीसरी डाल जा रही है, बच्चा गिर ना जाए उसकी जिम्मेदारी वो बंदर के बच्चे की है, मां की नहीं है। उसको ऐसे पकड़ के रखना होगा कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। लेकिन यहां पे बिल्ली के दृष्टांत में क्या है, वहां पे वो जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, वह माँ की है। वो माँ अपने साधन से उस जीव को, उस बालक को अपने ध्यान पे ले जाती है। ये पुष्टि है, भगवान अपने साधन, भले तू उतावल कर रहे हो फिर भी मैं तुको नहीं छोड़ू। ठाकुर जी कुछ ना कुछ ये न केन प्रकार इन लीला करते हैं। लेकिन हम जो विषय की बात कर रहे हैं, हमें जो समझना है कि जब सेवा करते हुए हमारा मन कहीं बाहर जा रहा है तो वो जो सेवा है वह फल रूपा नहीं, उसको साधन रूप सेवा कहा जाए। वो भी सामान्य सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी वो फल दशा का अनुभव उससे हमको वंचित कर देगी, साधन रूप। और दूसरी जो सेवा है जिसको आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं, फल रूप सेवा श्री गोसाई जी समझा रहे हैं, जहां देह के साथ भगवत सेवा में चित्त भी प्रवीण हो जाए। श्याचार्य जी के शब्दों में जो सिद्धांत मुक्तावली में आपने कहा, चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। सेवा किसको कहेंगे फल रूपा, चेतस तत् प्रवणम सेवा, चित्त का ठाकुर जी में प्रवीण हो जाना उसका नाम सेवा है। जब इस प्रकार की सेवा में जीव तल्लीन हो जाता है, चित्त का ठाकुर जी में प्रवीण हो जाता है, तब उसका देह का भी अनुसंधान नहीं रहता, देह का भी विस्मरण हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है, वही सेवा प्रियजनों मुख्य है कि सेवा का भी किसी देह का भी अनुसंधान न रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे एक प्रसंग का स्मरण हो रहा है, लैला मजनू, बड़ी प्रसिद्ध प्रेमी, और ऋषि गोकुलनाथ जी के वचनामृत में भी आता है, आपने वांचन किया हो तो, वो कहीं से मजनू का पत्र हाथ में आ गया साईं श्री गोकुलनाथ जी के, और वो पत्र पढ़ो तो मजनू का, तो एक वैष्णव ने कहा, जयराज आपकी अप्रश छो गई, अरे कि ये तो प्रेमी है, और प्रेमी को संसर्ग करवे से अप्रश नहीं छूए, प्रेम का स्वरूप बताया। भले वो लौकिक भौतिक उनका प्रेम था, लेकिन प्रेम ये सर्वोत्तम है। तो वो मजनू लैला के लिए बड़ा पागल, हाँ ये तो प्रसिद्ध बात है, आप सबने सुनी होगी। वास्तव में वो लैला बड़ी बदसूरत थी, आपको शायद पता होगा, वो बहुत ही रूपवान, बहुत ही रूपमती नहीं थी, लेकिन मजनू से पूछो तो उसके लिए तो उससे सुंदर कोई और है ही नहीं। वो मजनू पागल अवस्था में जहां तहां घूमता रहता, लैला 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 चिल्लाते चिल्लाते, और लैला को याद करते हुए कहीं से यूं जा रहा था, तो कोई एक जीव, एक बंदा नमाज अदा कर रहा था, चद्दर बिछा के नमाज पढ़ रहा था कोई, तो वो लैला लैला चिल्लाते चिल्लाते वो चद्दर पे से पैर रखकर चला गया। उसको पता नहीं चला कि वहां पे कोई नमाज अदा कर रहा, वो जो नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, उसको बड़ा क्रोध आया, हे पागल तुझे दिखाई नहीं देता, यहाँ पे मैं अपने खुदा को याद कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने भगवान को याद कर रहा हूँ, और इसी चद्दर पर तू पैर रखकर चला गया, ऐसा कैसा तू पागल बावरा है। तो मजनू कहता है, अरे तेरी ऐसी कैसी भक्ति है, ऐसी कैसी तेरी बंदगी है कि तू अपने खुदा को याद करते हुए तुझे ये पता चल गया कि मैं यहां से जा रहा हूं, देख मेरी बंदगी देख, मैं अपनी लैला को याद करते करते यहां से गुजरा, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई नमाज पढ़ रहा है, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया, तेरी ये कैसी बंदगी है कि तुझे पता चल गया। चेतस तत् प्रवणम सेवा, ये चित्त, तो जहां पे चित्त प्रवीण हो जाए, जहां पे केवल मैं और तू, मैं और वो, विचार करो कि जहां पे और कोई हमारे विचारों में नहीं है, है कई बार ऐसा होता है आसपास कोई ना हो लेकिन दिमाग में तो कितने ही आसपास कितना घूमता रहता है, कितनी चीजें चलती रहती हैं, प्रवचन में भी सत्संग में बैठे हैं लेकिन मन यहाँ पे होना जरूरी नहीं, कहाँ कहाँ चला जाता है, बड़ा कठिन है भैया। लेकिन विचार करिए, जस्ट एक आप जस्ट इमेजिन, कल्पना करें कि जब ऐसी दशा आ जाए कि जिसकी आप सेवा कर रहे हो और उसका ही स्वरूप में आप ऐसे मग्न हो जाओ, ऐसे आप खो जाओ सेवा करते करते, ऐसा चित्त प्रवीण हो जाए, केवल आप दो ही वहां पे हो, फिर विचार करो कि वो सेवा का रस, वो आनंद
वह फल उसका अनुभव क्या होगा, वो आनंद कैसा होगा। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त ठाकुर जी में लग जाना, ये जो सेवा है जिसको परा यानी के मानसी सेवा रूप भी कहा जाता है, मानसी सा परामता, जब चित्त ठाकुर जी में लग जाता है वही मानसी सेवा को वो जीव प्राप्त कर लेता, जैसी सेवा ब्रज गोपियों ने की थी। ब्रज गोपियां ठाकुर जी में ऐसा याद हो हने मथने, ऐसी उनकी अवस्था हो गई दधि मंथन करते समय, दधि बेचते समय, कहीं भी जाए लेकिन कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही स्मरण। एक गोपी दधि बेचने के लिए निकली लेकिन मन में ठाकुर जी के दर्शन की लालसा, अब रोज रोज भी आ जाए सुबह सुबह ठाकुर जी के लालन के दर्शन करवे के लिए, तो यशोदा जी मन में सोचे कि भाई ये का रोज रोज तू मेरे घर पे आ जा रही है। तो विवाह ने एक बढ़िया सो जवाब नक्की कर लियो। जब गई ठाकुर जी के दर्शन करवे के लिए, यशोदा ने पूछी कि अरे तू यहाँ कैसे, तो कि मैं कहा बताऊं कि जब जब मैं तेरे लाला के दर्शन करके जाऊं तो मेरो सबरो दधि बिक जाए, और तो और मुकुवा की कीमत भी बड़ी अच्छी मिले। देखो ये गुप्त वही रस हो, प्रेम को गुप्त रखा है, प्रकट किए रस जाए, प्रेम को गुप्त रखना चाहिए, प्रीत हिये में राखिए प्रकट किए रस जाए। जो प्रेम जो भाव जो ठाकुर जी आपको दान कर रहे हैं केवल आप और वो जाने, बस उसको प्रकट ना करो। तो क्या कहा कि जब मैं तेरे लाला के दर्शन करवे जाऊं तो मेरो सबरो दधि बिक जाए, और तो और मैं जो कीमत कहूं वो कीमत मुझको मिले है, तो या लिए तेरे लाला के दर्शन करवे आई हूं, देख करा दे। अच्छा ऐसा है, आजा आजा देख वो बैठो, फिर लालन के दर्शन करे, स्वरूप आनंद को पान करे वह गोपी। यशोदा मैया भी देखो, श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधिर निर्मंथन काले स्मरन्ति तान्य गायत, दधिर निर्मन्यते काले, दधि के मंथन काल के समय स्मरन्ति तान्य गायत, ऐसा उनका चित्त प्रवीण हो गया। दधि मंथन यशोदा जी जब कर रही थी, एक दिन की बात है, अन्य गोपियों को तो अन्य कार्य में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लग गई, क्योंकि सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए और उनके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब स्वयं दधि मंथन करने लग गई और ठाकुर जी की लीलाओं का बाल चरित्रों का गान करने लग गई, सेवा में इतनी प्रवीण हो गई यशोदा जी, इतना श्रीअंग श्रमित हो गया आपका, लेकिन देह का भी अनुसंधान न हुआ। और जब चित्त प्रवीण होता है तब साक्षात फलात्मक श्री कृष्ण वहां पे पधारे, और क्या हुआ, आकर यशोदा जी की चोटी पकड़, यशोदा जी के आगे चोटी पकड़ के कहने लगे मैया मुझको माखन रोटी दे, और वहीं पे ज्ञान स्वरूप श्री दाऊ दादा पधार गए, वो दाऊ दादा आकर यशोदा मैया के जो नासिका में जो नत है वह नत को पकड़ के खींचने लग गए। सुखदेव जी दर्शन करवा रहे हैं कि देखो पीछे श्री ठाकुर जी हैं, आगे दाऊ दादा हैं, कभी पीछे चोटी खेचे लालन तो कभी आगे दाऊ दादा नथ खींच रहे हैं, तो यशोदा मैया कभी पीछे तो कभी आगे तो कभी पीछे, ऐसी यशोदा जी की स्थिति। भगवती सूरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां वहां पे लिखी हैं, उपमा कहा वर्णु मति छोटी, कि मानो हंस और मोर आज भूखे खड़े हुए हैं यहाँ पे, और हंस और मोर को उनका जो भोज्य उनका जो भोग पदार्थ है वो उनको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हंस का भोग भोग्य पदार्थ क्या है, तो कि मोती, हंस मोती चुगता है, और मोर तो कि उसका भोजन सर्प है। तो हंस जैसे कौन है, तो कि दाऊ दादा कि वो गौर है, और मोर जैसे श्याम तो कौन है, तो कि कृष्ण ठाकुर जी वो श्याम है, और दोनों बड़े भूखे हैं और दोनों को अपना अपना भोजन मिल गया। क्या भोजन मिल गया, कि नासिका का जो मोती है वो दाऊ दादा ने पकड़ रखा है, और पीछे चोटी यानी सर्प के भांति ऐसी लंबी चोटी काली वह चोटी लालन ने पकड़ी हुई है। तो मानो दोनों को अपने अपने भोजन मिल गए। और सूरदास जी कहते हैं, और कहा वर्णु मति छोटी, इतना सुंदर वर्णन किया, फिर भी कहते हैं उपमा कहा वर्णो मति छोटी, मेरी तो मति छोटी है, मैं ठाकुर जी की लीला का क्या वर्णन करूं। वहां पे प्रभु साक्षात चेतस्तत् प्रवणम सेवा जब हुई यशोदा जी की, ठाकुर जी वहां पे पधारे फलात्मक स्वरूप, और माखन रोटी मांगने की आपने जिद कर।
यानी जब चित्त ठाकुर जी में प्रवीण हो जाता है, तब इस प्रकार की वह जो हमारी जो सेवा है वह फलात्मक सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम और स्वरूप स्वरूप सब कुछ खो देती हैं, वैसे ही जो भगवत सेवा में प्रवीण हो जाते हैं, ऐसी ही वो तन्मय अवस्था को प्राप्त हुई गोपियां ठाकुर जी के स्वरूप में इतनी तन्मय हो जाती हैं कि उनको लोक परलोक शरीर पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रहती, सब कुछ विस्मरण हो जाता है। यहां तक कि वो दधि बेचने के लिए जाए, लेकिन स्वरूपा मग्न गोपी ठाकुर जी के चिंतन करती हुई क्या कहती है, सिर धरे मटुकिया डोले रे कोई श्याम मनोहर लो, सिर धरे मटुकिया डोले रे। वह ग्वालिन माथे पे मटकी धर के डोल रही है, लेकिन डोलते डोलते पहले तो कहती थी अरे दधी ले लो दधी ले लो, पर अब क्या कह रही है, कोई हरी ले लो हरी ले लो हरी ले। सिर धरे मटुकिया डोले रे कोई श्याम मनोहर लोरे, कृष्ण को नाम बिसर गई ग्वाल दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, हरी लो बोले रे कोई श्याम मनोहर, दधी को नाम बिसर गई ग्वाल। यानी जिस प्रकार से नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम स्वरूप सब खो देती हैं, इसी प्रकार से ये गोपियां तन्मय अवस्था में सब कुछ सुध बुध भूल जाती हैं। ये जो सेवा है फलात्मका सेवा, इसको कहा जाता है प्रियजनों फलात्मक सेवा। तो एक साधन रूप सेवा और एक फलात्मक सेवा। अब देखिए यहां पे विषय का चिंतन करना है, अगर कोई यह विचार करे कि क्या ये फलात्मक सेवा ये क्या हमें मिल सकती है, क्या हमारी सेवा फलात्मक हो सकती है, हमको कहां ऐसी फलात्मक दशा ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो, हमारा कहां ऐसा अधिकार, हम तो लौकिक में पड़े हुए जीव अनंत दोषों से भरे हुए जीव, क्या हमारी ये दशा हो सकती है। एक सहज विचार ये जीव के अंदर आ सकता है कि जो विषयों की जो इन गोपियों की दशा की फलात्मक सेवा की जो बात कर रहे हैं, क्या वो फल दशा की वह सेवा क्या हमारे अंदर हमको प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान रहे हमें इस बात को सर्वदा भूलना नहीं है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा बल से हम पुष्टि मार्ग में प्रवेश किए हैं, और पुष्टि मार्ग में वही जीव प्रवेश करता है जिसका वर्ण भगवान करते हैं। यमे वेशे वृणते तेन लभ्यः, जिसका वर्ण भगवान करते हैं उसी का पुष्टि मार्ग में अंगीकार होता है। ऐसा ज्ञान ऐसा अज्ञान ऐसा स्मरण कभी नहीं रखना चाहिए कि भी पति ने लिया तो मैं भी ले लूं, कि किसी के कहने पर मैंने ब्रह्म संबंध लिया, एक साथ हो रहे थे तो गांव में पधारे हुए थे तो हमने भी ले लिया, नहीं ऐसी बुद्धि नहीं रखना। जिसका वर्ण भगवान करते हैं, जिस पर कृपा करने का विचारते हैं, उसी का पुष्टि मार्ग में प्रवेश हो सकता है। यानी जब हम पर ठाकुर जी ने कृपा विचारी है, हम पर हमारा वर्ण जब भगवान ने किया है, जब श्री वल्लभ जैसे हमको गुरु साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं ऐसे आचार्य जब हमें प्राप्त हुए हैं, और जब उनकी सेवा से हमको फलात्मक कृष्ण सेवा की अधिकार की जहां प्राप्ति हो गई है, तो फिर अवश्य हमको यह फलात्मक कृष्ण सेवा की प्राप्ति हो सकती है। श्री आचार्य जी कहते हैं कालो यम कठिनोपी कृष्ण भक्तान्न बाध्यते, ये श्री महाप्रभु जी के वचनों पर विश्वास रखना कि चाहे काल कठिन हो जाए लेकिन कृष्ण कठिन नहीं है, कृष्ण तो बड़े कोमल हैं, कृष्ण तो सरल हैं, काल कठिन हो सकता है कृष्ण कठिन नहीं हो सकता। यानी कोई भी काल क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, लेकिन जो फलात्मक सेवा की हम बात कर रहे हैं श्री वल्लभ की कृपा से अवश्य वो हमें प्राप्त हो ही सकती है, क्यों नहीं, यानी नकारात्मक नहीं। जैसे प्रसंग का स्मरण मुझे हो रहा है, रामानंद पंडित जब वैष्णव का अपराध हुआ, आप याद करिए, मैं पूरा विस्तार नहीं कर रहा हूं उस प्रसंग का, और जब उनको पता चला कि हजारों लक्ष जन्म का उनको अंतराय हो गया, जब उनसे पूछने में उनको किसी वैष्णव ने पूछा कि श्री महाप्रभु जी मेरा पुनः अंगीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी ने ऊपर से उनका त्याग किया था शिक्षार्थ रामानंद पंडित का, तो जब वो वैष्णव के द्वारा उनको ज्ञात हुआ कि भाई तू तेरा पुनः अंगीकार तो होगा लेकिन बहुत ही विप्रयोग अंतराय बहुत है,
हजारों जन्म लक्ष जन्म तुझे अंतराय है, लक्ष जन्म के बाद तेरा पुनः अंगीकार होगा। ये वचन सुन के भी रामानंद पंडित निराश नहीं हुए, विचारने लग गए कि अरे लक्ष जन्म के बाद भी मेरा अंगीकार तो होगा ना, मेरा त्याग तो नहीं होगा, मुझे आप स्वीकारेंगे तो सही। और तो और ये सोच के इतने प्रसन्न हुए, इतना उनके हृदय में ताप हुआ कि रातों ही रात में एक लक्ष जन्म उनके व्यतीत हो गए। आहा, क्या प्रसंग, आप विचार करिए, एक रात्रि में स्वप्न के द्वारा ऐसी कृपा हुई। यानी ठाकुर जी, वही बात आ गई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, पर हमारा फोकस, हमारा ध्यान ये स्पष्ट होना चाहिए कि यह सेवा फलात्मक हो। सब जगह से मन हटाकर ठाकुर जी की सेवा में मन लगाने का प्रयास करें। आप देखें, एक दूसरी दृष्टि से भी विचार करें कि पूर्व में जितने भी भगवदी हुए या बड़े बड़े संत महंत हुए, उन भगवदियों का जो अनुभव है, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया अपने जीवन काल में, तो उन भगवदियों के पास वह उनका जो मन था वो मन कैसा था? क्या ऐसा हुआ है कि उन भगवदियों को या उन संतों को एक अलग प्रकार का विशिष्ट विशुद्ध शुद्ध मन दिया गया और हम सबको बड़ा मलिन मन मिला है? क्या ऐसा है? नहीं, मन तो सबको एक जैसे ही दिए हैं। यानी जो उनको हो सकता है तो हमको भी अवश्य हो सकता है। क्यों? क्या उनके पास कोई अलग मन था क्या? आप देखो, जितने ही भगवती हुए कितने ही अहंकार से ग्रसित थे। अरे स्वामी थे, चित्त स्वामी, परमानंद स्वामी, सूर्य स्वामी, है ना, सब स्वामी थे। गोविंद स्वामी, वो तो शरण में आए तो उनके शिष्य कोई आ गए गोविंद स्वामी के हैं स्वामी, तो वो तो मर गए कब से, मर कहां से गए, लेकिन जब तक शरण में नहीं आए थे तब तक स्वामी का अहंकार था, पर शरण में आ गए तो अब दासत्व का है कि वो स्वामी तो कब से मर गया। लेकिन आप देखिए, सब स्वामी थे, सबके अंदर वही अहंकार था। यानी इससे क्या पता चलता है कि उनका मन भी ऐसा ही था जैसा हमारा मन है। उनको कोई अलग प्रकार की मन नहीं दिया गया था कि अलग प्रकार के मन से अलग प्रकार का उन्होंने भजन किया, नहीं। आप तुलसीदास जी को ले लीजिए, मेरी दृष्टि में एक विचार है मेरा, उनसे मलिन मन और किसका हो सकता है, विचार करो आप। तुलसीदास जी अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी को मिलने के लिए गए, रात्रि का समय, ऐसी वृष्टि आंधी तूफान, जैसे तैसे पार करके पहुंच गए, और तो और पत्नी का ऊपर रूम है, कक्ष है, उस पर चढ़ने के लिए रात्रि का समय है, लेकिन ऐसी ताप उसको, ऐसा व्याकुल हो रहे हैं प्रिया को मिलने के लिए, ऐसी इंद्रियां उनकी मचल रही हैं, जिससे क्या हो गया, था सर्प लेकिन रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए, और चढ़ गए और अपनी प्रियतमा के सम्मुख खड़े। अब विचार करो, क्या इससे मलिन मन और किसका हो सकता है? अब वो बाहर दरवाजे से भी आते तो उनको कोई रोकना है क्या? उनकी पत्नी है, जब चाहे तुम मिलो भैया, कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन उनकी मन की दशा का विचार हम करें, आप विचार करिए कैसा उनका मन, ऊपर चढ़ गए, सर्प रस्सी नहीं सर्प था पर चढ़ गए, जब वो एक अपनी लौकिक प्रियतमा के प्रेम में इतने व्याकुल होकर जो सर्प रस्सी मानकर चढ़ गए, तो भी हमारो प्रियतम तो अलौकिक है, अलौकिक अप्राकृत है, तो फिर कृष्ण भक्तान न बाध्यते। सावधानी, उनकी पत्नी ने कहा, आप कैसे आया इतनी रात में मिलने के लिए, तुझसे मिलने के लिए, खिड़की में जाके देखा तो सर सर को चढ़ते, अरे मैं तुझे प्रेम में मुझे पता ही नहीं चला कि हाड़ मास की देही में इतनो प्रेम होती, जो प्रभु श्री राम में, जो ठाकुर जी के चरणारविंद में तुमको प्रीति होती, तो कब से तुम्हारा उद्धार हो जाता। वो एक शब्द काम कर गया और वो शब्द के, वो वाक्य के चलते उनका जीवन परिवर्तित हो गया, है ना। बाकी मन तो वही था। यानी हमें भी प्रियजनों, ये जो प्रसंग का हम जो स्मरण कर रहे हैं कि हमने ब्रह्म संबंध लिया है, हम श्री वल्लभ के सेवक हैं, इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैहि, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। सेवा करते करते, सत्संग करते करते, कभी कोई कैसी घटना घट जाए, कहां कुछ ऐसी कृपा हो जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, पर बस सावधानी के साथ कृष्ण सेवा सदा कार्य।
हमारा भी वही मन है। वर्तमान समय में हमसे, हम सब जीवों से एक जो चुक हो जाती है कि बस वही जो सावधानी है वह सावधानी नहीं रहती, सेवा में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज हमने ये ब्रह्म संबंध लिया, विचार किया जाए कि ये ब्रह्म संबंध लेने की ये कितनी बड़ी घटना है कि ठाकुर जी ने हमारा वरण किया और तो और उनकी सेवा का अधिकार हमको प्राप्त करवाया, यानी कृष्ण सेवा को बड़ी सावधानी के साथ फलात्मक मानते हुए ठाकुर जी की सेवा करना ये हम सबका परम धर्म है। अब विचार किया जाए कि ये जो मन है हमारा भी, ये जो मन मलिन है, अब इस मन को जो श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि चेतस्तत, तो वो चेतस्तत किस प्रकार किया जाए, तो आचार्य श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजः। ठाकुर जी के सेवा में चित्त को प्रवीण करने के लिए तत्सिद्ध्यै, वो सिद्ध कैसे होगा, आचार्य श्री कहते हैं सिद्धांत मुक्तावली में तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजः, अपने तन से, अपने धन से ठाकुर जी की सेवा करो, तनुजा और वित्तजा। और जब तन और धन से, हमारा तन और धन ठाकुर जी की सेवा में विनियोग होगा तो मन भी अवश्य ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। आज विचार करें, मन का एक लक्षण है कि मन के आसपास जो भी होता है मन उसमें आसक्त हो जाता है। मन के पास हमारा शरीर है, शरीर के पास हमारे परिवार के सदस्य हैं, संबंधी जन हैं, मन हमारा शरीर में आसक्त है, मन हमारा परिवार के परिवार के सदस्यों में लगा हुआ है, मन हमारा धन में आसक्त है। और कई बार ऐसा होता है कि सेवा करने वाले वैष्णव घर में चार चार लोग हैं लेकिन सेवा केवल एक या दो ही व्यक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेवा करने वाले का आधा मन तो सेवा में और आधा मन परिवार में, क्योंकि परिवार में आसक्ति है और वो आसक्ति वाला परिवार वो ठाकुर जी के सन्मुख नहीं है, तो आपकी जो पारिवारिक आसक्ति है वो ठाकुर जी की सेवा में बाधा करेगी। इसीलिए तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजः, अपने तन से यानी अपने देह को जितना हो सके अधिक से अधिक ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करो, क्योंकि तन कितने घंटे हमारे ठाकुर जी की सेवा में या भगवत सन्मुख रहता है ये कैलकुलेशन तो आप स्वयं अपना करें। कितना घंटा हमारे सोने में, कितना घंटा हमारे व्यर्थ की बातों में, कितने घंटे हमारे लौकिक कार्य में, अब कैलकुलेशन जो उसकी मात्रा करने जाएंगे तो ज्यादातर सेवा तो दो या तीन चार घंटे में पूर्ण हो जाती है, बाकी के 20 घंटे तो हमारे लौकिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं। इसलिए हमारा तन भी उसी में लगा हुआ रहता है, वो तन जिसमें है मन भी उसी का स्मरण तन के बारे में ही सोचता रहता है और परिवार के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि परिवार तन के आसपास है। यानी देह से जितने ठाकुर जी के सन्मुख रहेंगे, यानी जब हम घर में ठाकुर जी को पधराते हैं तो सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और मैं क्या करूं प्रभु के लिए, और मैं क्या करूं कि जिससे ठाकुर जी को सुख पहुंचे, और मैं ठाकुर जी के लिए सुख के और कौन से साधन लाऊं, जैसे अलग अलग साज सजावट राग भोग श्रृंगार का प्रकार बताया है, ये क्यों, क्योंकि जिससे हमारा धन भगवत कार्य में उसका विनियोग हो, ठाकुर जी की सेवा में लगे, इसलिए धन का विनियोग करो। यानी ये भी विचार करना चाहिए कि जितना धन हम अपने लौकिक कार्य में खर्च करते हैं क्या उतना धन, उससे अधिक धन जब हमने ब्रह्म संबंध लिया, कहा प्रभु सब कुछ आपका है, तो फिर क्या वो धन का उपयोग भगवत सेवा में इतना हो पा रहा है, भगवत कार्य में हरि गुरु वैष्णव की सेवा में क्या वो धन का विनियोग हो रहा है, इस बात का प्रश्न, इसका उत्तर आप स्वयं खोजने का प्रयास करें, उत्तर आपको अपने आप मिल जाए। यानी तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजः, अपने तन से और अपने धन से ठाकुर जी की सेवा करो, तत्सिद्ध्यै, इसके माध्यम से जो फलात्मिका जो सेवा है वह सेवा सिद्ध अवश्य होगी। अपने देह का समर्पण, जिसमें हमारी अहमता ममता रही हुई है, उसका समर्पण होना परम आवश्यक है, क्योंकि भगवान हमसे हमारा सर्वांगी समर्पण चाहते हैं। यानी जहां जहां हमारी अहंता ममता फैली हुई है, सर्व वस्तु समर्पणम, उसका समर्पण, उसका विनियोग होना परम आवश्यक है,
नहीं तो भगवत संबंध के अलावा अन्य आपकी जो अहंता ममता रह जाएगी वो आपकी भक्ति की यात्रा में बाधा करेगी। इसलिए कहा तत्सिद्धे तनुवित्त जा, अपने ही धन से दूसरे की सत्ता का विनियोग नहीं होना चाहिए। किशोरी बाई के प्रसंग में आता है कि जब उसकी ऐसी अवस्था आ गई तो किसी वैष्णव ने लाके सामग्री दे दी ठाकुर जी को भोग धराने के लिए, तो वो किशोरी बाई ने अपने ठाकुर जी को भोग धरा दिया, लेकिन वो देख कर किशोरी बाई ने जो भोग धरा है लेकिन ठाकुर जी पीठ दे के बैठ पूछी के जयराज का अपराध भयो, तो प्रभु कहवे लग गए कि तूने मेरे लिए वाके पास से सामग्री क्यों ली। यानी जो भी कुछ उनके पास व्यवस्था थी, जो भी कुछ वो कर रहे थे उससे प्रभु प्रसन्न थे, लेकिन जहां अन्य की सत्ता आ गई वो सत्ता से ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए, ठाकुर जी पीठ दे के बैठ। क्योंकि जब हमने ब्रह्म संबंध लिया है तो हमने हमारी अहंता ममता का समर्पण किया है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रभु ये ताजमहल बड़ा सुंदर है आप इसको स्वीकार करें। अरे भैया ताजमहल पे हमारी अहंता ममता नहीं तो तुम उसका समर्पण कैसे कर सकते। हम ऐसा जिसपे हमारा अधिकार न हो उसका समर्पण संभव नहीं है। यानी श्री आचार्य जी ने तनु वित्त जा एक ही पद में ये दोनों शब्द आए, अपने तन से और अपने धन से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। यथा देवे तथा जैसे हम ठाकुर जी की यथा देहे तथा देवे, तथा देवे यथा गुरु। उसके आगे की बात शास्त्र हम की कहते हैं कि जिस प्रकार से देह में हम भूख प्यास गर्मी सर्दी का अनुभव करते हैं ऐसा ही भाव ठाकुर जी के प्रति भी यथा देवे तथा देवे। और जिस जो भाव से ठाकुर जी की सेवा करी यथा तथा देवे यथा गुरु, जिस भाव से ठाकुर जी की सेवा करी उसी भाव से फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी आचार्य हमारी सिद्धांत प्रणाली का। तो प्रियजनों नवा तद वाक्य परताम, हमारे आचार्य हमारे गुरुचरण जो हमको आज्ञा कर रहे हैं, जो उस आज्ञा पालन में जो हमारी शिथिलता होगी तो कथम कृष्ण प्रसीदतु, जो भगवत प्रसन्नता हम अपन प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर क्या प्राप्त किया जीवन में। वास्तव में यही तो हमें प्राप्त करना है, यही तो अवसर है। अपने गाइए छे न अवसरिया नहीं आवे आवारे वल्लभ गुण गावारे गावारे, कितना बड़ा धोड अपने गाता हुई छे। वारे वारे मानव जन्म कदी न मड़े, है ना सु लाइन छे ने एनी कई मारा घटमा विराजता, वारे वारे आवा अवसर घणा बड़ा आप बड़ा घणो अपने मारा करता વધારે खबर छे कितने सब आप सब गाते होते हैं। तो ये अवसर है और जो ये अवसर हमें मिला और जो उसमें भगवत प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता अपने स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की और सबकी प्रसन्नता प्राप्त की तो फिर वो मतलब नहीं है, वृथा तज्जन्म मुक्त है। तानसेन के आगे श्री गोसाई जी ने सोना मोहर और एक कौड़ी रख दी। तानसेन कहवे लग गए महाराज आपने सोना मोहर मुको दी कि मैंने जो गायकी आपके आगे प्रस्तुत करी बाकी आपने कीमत करी बाकी सराहना करने के लिए आपने ये सोना मोहर दी, पर ये कौड़ी ये क्यों दी आपने। तो क्या कह रहे हैं आप सीता आज्ञा कर रहे हैं कि तेरी ये जो विद्या है तेरी ये जो कला है वाको उपयोग तू एक राजा को प्रसन्न करने के लिए तू वाको उपयोग कर रहा है, लेकिन हमारे ये जो गोविंददास हैं वह तो राजा के भी राजा को प्रसन्न करने के लिए गाय हैं, यानी ये तेरी गायकी करते इनकी गायकी में ज्यादा रस है, तेरी गायकी तो टाट के समान है कोड़ी के समान है। यानी प्राप्त करना हो तो प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करो, बाकी संसार में प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास करोगे लेकिन तो ओछूज पड़े, है ना ओछूज पड़े। परिवार को रिझाने के प्रयास करते हैं, बच्चों को रिझाने के प्रयास करते हैं, पति पत्नी माता पिता जीवन का उसी चक्र में हम लगे हुए रहते हैं। ओला ने खोटो न लागे आने खोटो न लागे आने हूँ राजी करूँ आने राजी करूँ पर तो पर कंप्लेन ही रहती है। पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे नहीं थे, पहले कुछ अलग था। कितना ही पति प्रयास करे लेकिन पत्नी कंप्लेन करती है पहले ऐसे नहीं थे पहले कुछ और था अब बदल गए ऐसा करो खुद ही उसको बदल देती और खुद ही कहती अब बदल गए। अरे बदलने वाली भी तो तू है जस्ट पार्ट ऑफ ही हास्य विनोद की बात है, लेकिन मूल बात जो है इस जगत में संसार में कितने जीव सबको प्रसन्न करने का प्रयास भले चाहे कितना ही कर दो लेकिन याद रखो
उनको कभी भी संतोष नहीं होगा, वो कभी बखान प्रशंसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी, जब उनकी प्रसन्नता का हम विचार करें, यही हमारा परम धर्म है कि प्रभु की प्रसन्नता, जिसके हम अंश हैं, जो हमारे स्वामी हैं। और हमारे प्रभु तो बड़े सहज, बड़े कृपालु हैं, थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। राई भर सेवा को मानत मेरु समान। पद्मनाभ दास जी श्री ठाकुर जी को क्या आरोगा रहे हैं, चना कहां व्यवस्था है। शबरी ने ठाकुर जी को क्या आरोगा है, सुलभा जी ने प्रभु को क्या आरोगा है, लेकिन ठाकुर जी झट से प्रसन्न हो गए। तालो यम कठिनोपि कृष्ण भक्तान बाध्य थे। कृष्ण बड़े कोमल हैं, बस जो भी आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो गुरु के बताए हुए अनुसार, जितने देर भी आप करो, समय की मर्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सुबह से रात तक सेवा करोगे तो ही, ऐसी बात नहीं है। भले आप 1 घंटे 2 घंटे जो आप ठाकुर जी की अपने अधिकार अनुसार कर रहे हो, लेकिन प्रयास यही करो कि उसका पूरा समय उनके पास, हमारा मन विचार पूरे हम उनके बन के रहें, सेवा फलात्मक बने, यही हमारे श्री आचार्य जी की आज्ञा है। और इस आज्ञा में हमें तत्परता सदा रखनी चाहिए। तो शिवल्लभ की आज्ञा में, जब गुरु की आज्ञा में तत्परता होगी, तब ही कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो वृथा तत् जन्म भूतले, भूतल पर जन्म व्यर्थ मानो। आगे दूसरी बात आपसी ने करी, न वैराग्यम तथा विधम, बड़ी सुंदर आज्ञा है। फिर कभी इस प्रसंग को आगे देंगे जो ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे। तो आज समय भी काफी हो गया, समय का भी थोड़ा अनुसंधान ज्ञान नहीं रहा। आप सब भी बड़े एकाग्रता भाव प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो कुछ आज थोड़ी बहुत चर्चा भगवत कृपा से हमने की, श्री आचार्य जी के श्री चरणों में यही विनती करूंगा कि हम सबकी जो ग्रह सेवा है वह फलात्मक बने। और मूल बात नवा तद वाक्य प्रदान, श्री आचार्य जी अपने गुरु के वचन, उनकी आज्ञा पालन करने में तत्परता, और उनके वचनों में पूर्ण विश्वास। अविश्वासो न कर्तव्य, विश्वास वही विश्वास फलीभूत करवाएगा। जैसे चातको ब्रह्मास्ति, जो दृष्टांत श्री महाप्रभु जी ने दिए हैं, जैसे हनुमान जी को विश्वास था, भले ब्रह्मास्त्र से बांध लिया गया, लेकिन वो तो श्री रामचंद्र जी की शरण में है, उनकी रक्षा हो गई। और वहीं पे जहां लोहे की बेड़ियों से बांधने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र से बांधे हुए हनुमान जी को उन पर भरोसा न रहा मेघनाथ को, कि ये तो भी बड़ा शक्तिशाली है, इसको बेड़ियों से बांधो, तो ब्रह्मास्त्र पे अविश्वास किया, तो वहीं पे हनुमान जी मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य, विश्वास हो गुरु वाक्य, तो सदा सर्वदा शिवल्लभ गुरु की आज्ञा, उनके आज्ञा का तत्परता से हम पालन करें, उनकी वाणी में विश्वास रखें, तभी भगवत प्रसन्नता के पात्र हम बन पाएंगे। तो बस श्री ठाकुर जी वह हम सबको ये बल शक्ति प्रदान करें कि गुरु की आज्ञा का हम पालन कर सकें। इसी मंगल भाव के साथ पुनः आज एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज ये एकादशी आप सब वैष्णव के माध्यम से मुझे भी 2 घड़ी सत्संग करने का, अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पुष्टि दर्शन सत्संग हमारे जयेश भाई, शिल्पा बेन, पता नहीं विकी है कि नहीं, और भी जो भी हमारे वहाँ के वैष्णव बॉस्टन के जो मंडल के हैं, शायद सब होंगे ही उपस्थिति आशा है मुझे। तो आप सबकी कानी से आज यहाँ पे ये सत्संग हम कर पाए, और फिर प्रयास करेंगे कि आगे कम से कम बीच में जब भी समय मिले, या एकादशी पे तो कम से कम, बरोबर ना जयेश भाई, कम से कम एकादशी पे तो हम मिले ही। तो यही मंगल भाव के साथ सदा सत्संग सेवा में आप परायण रहें, यही शुभकामना लेते हुए, जब जब भी ये सत्संग, जैसे पुष्टि धाम का जो सत्संग शनिवार को होता है, आप सब इसी प्रकार, क्योंकि उसमें भी पूज्य ज्येष्ठ भातृचरण, पूज्य पितृचरण, आचार्य परिवार का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, तो शनिवार का भी जो अपना पुष्टि धाम का सत्संग है, उसमें भी आप जो रात्रि का 8:30 का जो समय है, अवश्य उसमें जुड़े। और भी जब जब अपडेट, ये तो अब टेक्नोलॉजी मीडिया का तो इतना फास्ट नेटवर्क सब जगह तुरंत पहुंच ही जाता है, तो जब जब आपको निमंत्रण मिले, अवश्य आप सब हमारे साथ सत्संग में जुड़ेंगे, ये शुभकामना मैं रखता हूँ। तो बस ज्यादा न कहते हुए अपने वाक पुष्पों को शिवल्लभ के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो शिवल्लभाधीश की, शिवोवर धननाथ की जय।
श्री गोपाल लाल प्यारे की, श्री गिरिराज धरण की। प्रणाम। जय जय। हाँ जय श्री। खूब सुंदर वचनामृत करी प्रभु बना रहे हैं। मेरा सुंदर श्रवण करो छो तो बस सुंदर अच्छे बुधु ना गणो आपने बड़ा 84-252 वैष्णव ने वार्ता जी माथी बड़ा जी पहला वार्ता जी ने प्रसंगो लई ने बुधु अपने याद रहे हमारा जेवा वैष्णव ने बहुत सुंदर। तो आश्रय लेंगे, पहले आश्रय लेंगे। शिवल्लभाधीश की जय। सभी अपने घर में साथ में दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के साधन और नहीं या कले में जासू हो तनिवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन, दृढ़ न चरणन, दृढ़ न चरणन केरो। शिवल्लभाधीश की जय। जय बड़ा विष्णु ने अनम्यूट करियो छे दंडवत करवा वट। हां भले। हां जय 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 जय